बल्ब से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती है और ऊर्जा फैलाती है। यदि आप बल्ब से 5 फीट दूर खड़े हैं तो आप प्रकाश देख सकते हैं लेकिन गर्मी महसूस नहीं कर सकते हैं, भले ही बल्ब के केंद्र यानी फिलामेंट में बड़ी गर्मी है। आप जैसे ही इस प्रकाश के निकट जाएंगे वैसे ही इसकी रोशनी आपके पास और तेजी से आएगी। इसी तरह आपके मन और दिमाग में भी असीम शक्ति है लेकिन यह सभी दिशाओं में विलुप्त हो जाती है। दिमाग किसी एक विषय पर गहराई पर सोचने या केंद्रित होने की बजाय एक ही समय पर अलग अलग चीजों के बारे में सोचता है, इसलिए औसत दिमाग अपनी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं करता है। इसे ही हमारी एकाग्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। जिंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए एकाग्रता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिमाग को सभी दिशाओं में बिना किसी उद्देश्य से घूमने से रोकती है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखना क्योंकि आधी जानकारी आपके लिए खतरनाक है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और बताए गए बातों को फॉलो करते हैं तो 100% आपका फोकस पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एकाग्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। एकाग्रता हमारी वह योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी एक वक्त में एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं या याद करते हैं। यह हमारी वह योग्यता है जिससे हम महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देते हैं और दूसरी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी में कई चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज याद रहे। स्कूल जाने वाले बच्चे अधिकतर कहते हैं कि उन्हें चीजें समझ तो आती है पर याद नहीं रहती या फिर जल्दी से भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से कारण हैं जो बच्चों या युवाओं के कॉन्सेंट्रेशन लेवल में समस्याएं पैदा करती है। रीजंस ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस इन स्टूडेंट्स। दोस्तों एकाग्रता में कमी के बहुत सारे कारण हैं। मैं फिर से कहूंगा ये वीडियो पूरा देखना, ये सिर्फ आपके भलाई के लिए है। कॉन्सेंट्रेशन में कमी के पहला कारण है थकान एवं भावनात्मक तनाव। दूसरा कारण है कम नींद लेना। तीसरा कारण है ठीक से खाना न खाना। चौथा कारण है शरीर में दर्द रहना और पांचवा कारण वातावरण। हमारे आसपास का वातावरण ही हमारे कॉन्सेंट्रेशन पर बहुत प्रभाव डालता है। और छठा कारण है, सबसे बड़ी बात यह है कि दिमाग को कुछ नया नहीं सिखाना, मतलब एक प्रकार से दिमाग की एक्सरसाइज नहीं करना, हमेशा दूसरे के आइडिया पर निर्भर रहना। हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन पावर। अब मैं आप लोगों को फोकस बढ़ाने के लिए बिल्कुल साइंटिफिक और सटीक तरीका बताने वाला हूँ। ये तरीका करोड़ों लोगों ने अपनाया है और अपनी एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया भी है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहला तरीका, कुर्सी पर बैठें। यह एक क्लासिकल एक्सरसाइज है जिसका काफी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें हमें कुछ समय के लिए एक कुर्सी पर बैठना होता है। यह इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले हमें बिल्कुल आराम और सहज होकर बैठना होता है, कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं होती और मन को एकदम एकाग्र करना होता है और ऐसा रोज कम से कम 15 मिनट तक करना होता है। इससे हमें मन को कंसंट्रेट करने में बहुत मदद मिलती है। दूसरा, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं उसके ठीक 10 मिनट पहले आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो। अच्छा होगा आप इंग्लिश न्यूज़पेपर लो या फिर कोई पुरानी बुक लो। अब उसमें सिर्फ एक लेटर आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको एम लेटर सिलेक्ट करना है। अब जहाँ जहाँ पर आपको एम लेटर दिखे सब में सर्कल करते जाओ या उसमें टिक लगाते जाओ। ऐसा करने से आपका फोकस बढ़ेगा और जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तब आपका ध्यान नहीं भटकेगा। नंबर 3, जलती हुई मोमबत्ती या फिर दिए के लौह को लगातार 5 से 10 मिनट तक पूरे फोकस के साथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है और यह प्रक्रिया आपको डेली करना है, हर रोज करना है। नंबर 4, अपने हाथ में कांच के गिलास में पानी भर ले और कोशिश करे कि पानी कम से कम हिले और फिर ऐसा दूसरे हाथ से भी करे। इस एक्सरसाइज को करने का उद्देश्य यह है कि हम अपने मूवमेंट को काबू में कर सके और गैर जरूरी मूवमेंट्स पर काबू पाया जा सके। अगर आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करते हैं तो राइट हैंड से ब्रश करें और अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो लेफ्ट हैंड से ब्रश करें। इससे भी आपके दिमाग के दोनों तरफ का एक्सरसाइज हो जाता है जिससे हमारा फोकस और दिमाग दोनों तेज होता है। खुद पर ध्यान लगाना। इस एक्सरसाइज में आप बिल्कुल सहज होकर एक जगह लेट जाए और अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर फोकस कीजिए और कुछ देर ऐसा करते रहे। उसके बाद अपनी हृदय गति पर फोकस करें और फिर धीरे धीरे अपनी सांसें धीमी महसूस करें
और फिर अपने शरीर में खुद की गति पर फोकस करें। ये एक्सरसाइज रोज करने से आपको काफी मदद मिल सकती है। बिट द लॉक। इस एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने आप को सचेत रख सकते हैं, जो आपके ध्यान एकाग्र करने की शक्ति को बढ़ाता है। एक अलार्म घड़ी लीजिए, उसमें 30 से 40 मिनट तक टाइम सेट कीजिए और जो भी कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो टाइम खत्म होने से पहले ही आपका काम खत्म हो जाए। इस एक्सरसाइज में न सिर्फ आप सचेत रहेंगे बल्कि अपने काम में भी ध्यान लगाए रखेंगे और इससे आप अपने टाइम मैनेजमेंट को भी सुधार सकते हैं। मेडिटेशन। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन को एक उत्तम तकनीक के तौर पर प्राचीन समय से ही देखा जाता है। इसके अनेकों फायदे हैं। आप मेडिटेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो YouTube पर आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वैसे तो इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और दिमाग तेज करने, फोकस बढ़ाने के भी हजारों तरीके हैं, मगर सभी तरीके तभी काम करते हैं जब आप इसे डेली करते रहेंगे और नियम के साथ करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।